सक्सेस की 98 में आप सभी का स्वागत है। मैं अरविंद मिश्रा जीएस क्विज का क्लास लेकर आप सभी के सामने आ चुका हूं। तो जल्दी से जुड़िए चैनल के साथ ताकि मैं जल्दी से जल्दी क्विज को शुरू कर दूं। तो जो भी नए जुड़े चैनल के साथ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और नोटिफिकेशन के बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा। और इसके बावजूद अगर नोटिफिकेशन आपको नहीं मिलती हो तो आप हमारे टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं जो कि सक्सेस स्पेस देकर की 98। और पीडीएफ आपको कहाँ मिलेगा, तो आपको मिलेगा ऑन www.successkey98.in पर। 40 प्रश्न हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। कोशिश करिएगा कि सारे प्रश्नों को आप अटेम्प्ट जरूर करें। जितनी गलतियां करनी यहाँ कर दें। एग्जाम में अगर आपके मन में 1% भी संदेह हो तो उसको छोड़कर आगे बढ़ जाइएगा। पहला प्रश्न, राइट, किसका अयस्क खनिज है? आपके ऑप्शन है ए बेरिलियम, बी क्रोमियम, सी यूरेनियम या डी कॉपर। कार्नोटाइट किसका अयस्क खनिज है? बेरिलियम, क्रोमियम, यूरेनियम या कॉपर। तो जिन्होंने उत्तर दिया है यूरेनियम, जी हाँ, आपका उत्तर एकदम सही है। अगला प्रश्न, दूसरा प्रश्न आने वाला है आपकी स्क्रीन पर। शिलालेख के अध्ययन को किस रूप में जाना जाता है? आपके ऑप्शन है ए पुरातत्व, बी एपिग्राफी, सी एंथ्रोपोलॉजी या डी इतिहास। बताएगा इसका उत्तर। आर्कियोलॉजी, एपिग्राफी, एंट्रियोग्राफी या हिस्ट्री। तो जिन्होंने उत्तर दिया है एपिग्राफी, जी हाँ, आपका उत्तर एकदम सही है, बी इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न, तीसरा प्रश्न ए रहा आपके सामने, इसका उत्तर दीजिएगा। टेट्रिस एक प्रकार का वीडियो गेम है जिसका आविष्कार किसके द्वारा किया गया था? आपके ऑप्शन है ए अलेक्जेंडर पाकिस, बी लुइगी पाल्मेरी, सी एलेक्सी पेजिस्टोन या डी रैंसम एली ओल्स। बताएगा इसका उत्तर। तो जिन्होंने उत्तर दिया है एलेक्सी पेजिस्टोन, उनका उत्तर एकदम सही है। अगला प्रश्न, चौथा प्रश्न ए रहा आपके सामने, इसका उत्तर दीजिएगा। सहिष्णुता की कमी से संबंधित हार्मोन कौन सा है? आपके ऑप्शन है ए एथिलीन, बी गिबरेलिन, सी इंडोल या डी साइटोकाइन। बताइए इसका उत्तर। सहिष्णुता की कमी से संबंधित हार्मोन, द हार्मोन रिलेटेड टू ड्रॉट टॉलरेंस। तो जिन्होंने उत्तर दिया है ए एथिलीन, जी हाँ, आपका उत्तर एकदम सही है। अगला प्रश्न, पांचवा प्रश्न ए रहा आपके सामने, इसका उत्तर दीजिएगा। मनुष्य पारिस्थितिकी तंत्र के किस वर्ग में संबंधित है? आपके ऑप्शन है ए सर्वाहारी, बी मांसाहारी, सी शाकाहारी या डी प्राणी मंदक पलव। तो जिन्होंने उत्तर दिया है ओमनिवोरस, सर्वाहारी, जी हाँ, ए इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न, छठा प्रश्न ए रहा आपके सामने, इसका उत्तर दीजिएगा। पशु जो फेरोमोन का उपयोग करने के लिए जाने जाते हैं वो क्या है निम्नलिखित में से? आपके ऑप्शन है ए सेंटीपीड, बी हाइड्रा, सी कबूतर या डी चींटी। तो जिन्होंने उत्तर दिया है डी चींटी, जी हाँ, चींटी या मधुमक्खी, आपका उत्तर एकदम सही है। अगला प्रश्न, सातवां प्रश्न ए रहा आपके सामने, इसका उत्तर दीजिएगा। आयरन की कमी के कारण कौन सी बीमारी होती है? आपके ऑप्शन है ए बेरीबेरी, बी अपतानिका, सी क्वासियोरकर या डी एनेमिया, खून की कमी। तो जिन्होंने उत्तर दिया है डी एनेमिया, जी हाँ, आपका उत्तर एकदम सही है। अगला प्रश्न, आठवां प्रश्न ए रहा आपके सामने, इसका उत्तर दीजिएगा। बैटरी का आविष्कार किसने किया था? आपके ऑप्शन है ए रोंगन, बी वोल्टा, सी फेराडे या डी मैक्सवेल। तो जिन्होंने उत्तर दिया है बी वोल्टा, जी हाँ, आपका उत्तर एकदम सही है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर आने वाला है, आज का नौवां प्रश्न, इसका उत्तर दीजिएगा। रूटाइल किसका एक अयस्क खनिज है? आपके ऑप्शन है ए जिंक, बी यूरेनियम, सी टाइटेनियम या डी एल्यूमिनियम। तो जिन्होंने उत्तर दिया है सी टाइटेनियम, जी हाँ, आपका उत्तर एकदम सही है। अगला प्रश्न, दसवां प्रश्न ए रहा, इसका उत्तर दीजिएगा। प्लाज्मा झिल्ली किसके द्वारा निर्मित होती है? आपके ऑप्शन है ए प्रोटीन, बी लिपिड, सी कार्बोहाइड्रेट या डी उपरोक्त सभी। तो जिन्होंने उत्तर दिया है डी ऊपर के सभी, आपका उत्तर एकदम सही है। अगला प्रश्न, ग्यारहवां प्रश्न ए रहा आपके सामने, इसका उत्तर दीजिएगा। सेस्मोग्राफ किससे संबंधित है? आपके ऑप्शन है ए नदियों से, बी भूकंप से, सी ज्वालामुखी से या डी पहाड़ों से। तो
तो बहुत बार का करा प्रश्न है, जिन्होंने उत्तर दिया है बी भूकंप। जी हाँ आपका उत्तर एकदम सही है। अगला प्रश्न 12वां प्रश्न ए रहा, इसका उत्तर दीजिएगा। निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी वायरस के कारण होती है? आपके ऑप्शन है ए पोलियोमेलाइटिस, बी मलेरिया, सी वूपिंग कफ या डी दाद रिंगवॉर्म। पोलियोमेलाइटिस, मलेरिया, काली खांसी या दाद। तो जिन्होंने उत्तर दिया है पोलियोमेलाइटिस, आपका उत्तर एकदम सही है। अगला प्रश्न 13वां प्रश्न ए रहा आपके सामने, इसका उत्तर दीजिएगा। एलापिडाइनाजा किसका वैज्ञानिक नाम है? आपके ऑप्शन है ए कोबरा, बी हाथी, सी ईगल या डी उल्लू। तो जिन्होंने उत्तर दिया ए कोबरा। जी हाँ आपका उत्तर एकदम सही है। अगला प्रश्न 14वां प्रश्न ए रहा आपके सामने, इसका उत्तर दीजिएगा। निम्न में से कौन सा पहला एंटीबायोटिक था? आपके ऑप्शन है ए टेरामाइसिन, बी नियोमाइसिन, सी पेंसिलिन या डी स्ट्रेप्टोमाइसिन। तो जिन्होंने उत्तर दिया है सी पेंसिलिन। जी हाँ आपका उत्तर एकदम सही है। अगला प्रश्न 15वां प्रश्न ए रहा आपके सामने, इसका उत्तर दीजिएगा। पेट्रोलॉजी किसका अध्ययन है? आपके ऑप्शन है ए पेट्रोल, बी खनिज, सी चट्टान या डी समुद्र। तो जिन्होंने उत्तर दिया है सी चट्टान। जी हाँ पेट्रोलॉजी जो है वो चट्टान का अध्ययन है। अगला प्रश्न 16वां प्रश्न ए रहा आपके सामने, इसका उत्तर दीजिएगा। निम्नलिखित में से क्या पहले विश्व युद्ध में रासायनिक हथियार के रूप में उपयोग किया गया था? आपके ऑप्शन है ए कार्बन मोनोऑक्साइड, बी हाइड्रोजन साइनाइड, सी मस्टर्ड गैस या डी जल गैस। तो जिन्होंने उत्तर दिया है सी मस्टर्ड गैस। जी हाँ आपका उत्तर एकदम सही है। अगला प्रश्न 17वां प्रश्न, इसका उत्तर दीजिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा अजैविक पर्यावरण के भाग के रूप में नहीं जाना जाता है? ध्यान दीजिएगा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कंसिडर्ड, प्लांट, एयर, जल या सॉयल, पादप, वायु, जल या मृदा, मिट्टी। तो जिन्होंने उत्तर दिया ए पादप, पौधे। जी हाँ आपका उत्तर एकदम सही है, ए जैविक पर्यावरण में आते हैं, अजैविक में नहीं। अगला प्रश्न 18वां प्रश्न ए रहा आपके सामने, इसका उत्तर दीजिएगा। कवक के अध्ययन को किसके रूप में जाना जाता है? ए साइटोलॉजी, बी मायोलॉजी, सी माइकोलॉजी या डी न्यूरोलॉजी। बताइएगा इसका उत्तर। तो जिन्होंने उत्तर दिया है सी माइकोलॉजी। जी हाँ आपका उत्तर एकदम सही है। अगला प्रश्न 19वां प्रश्न ए रहा आपके सामने, इसका उत्तर दीजिएगा। आधुनिक आवर्त सारणी में ऊर्ध्वाधर रेखाओं को क्या कहा जाता है? आपके ऑप्शन है ए आवर्त, बी समूह, सी अधातु या डी कोई नहीं। तो जिन्होंने उत्तर दिया है बी समूह। जी हाँ, या उसे हम फैमिली भी कह सकते हैं, एकदम सही उत्तर आपका। अगला प्रश्न 20वां प्रश्न ए रहा आपके सामने, इसका उत्तर दीजिएगा। स्फेरेराइट किसका एक अयस्क खनिज है? आपके ऑप्शन है ए पारा, बी मोलिब्डेनम, सी चांदी या डी जिंक। तो जिन्होंने उत्तर दिया है डी जिंक। जी हाँ आपका उत्तर एकदम सही है। अगला प्रश्न 21वां प्रश्न आने वाला है आपके सामने, उससे पहले आप सभी से आग्रह करूंगा, जो भी नए जुड़े हैं चैनल के साथ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और नोटिफिकेशन के बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा। और आपके मन में अगर सुझाव हो चैनल के रिगार्डिंग या क्लासेस के रिगार्डिंग, तो आप वो भी कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। अगला प्रश्न 21वां प्रश्न ए रहा आपके सामने, इसका उत्तर दीजिएगा। यदि एक सीधी रेखा के साथ चलने वाली वस्तु की गति निरंतर है, तो इसकी गति को क्या कहा जाएगा? ए समान यूनिफॉर्म, बी सामयिक पीरियोडिक, सी परिपत्र सर्कुलर या डी असमान नॉन यूनिफॉर्म। तो जिन्होंने उत्तर दिया है ए यूनिफॉर्म समान। जी हाँ आपका उत्तर एकदम सही है। अगला प्रश्न 22वां प्रश्न ए रहा आपके सामने, इसका उत्तर दीजिएगा। निम्न में से कौन से पौधे में जड़ ग्रंथि होती है? आपके ऑप्शन है ए पौराणिक पौधे, बी परजीवी पौधे, सी एपिपियटिक पौधे या डी एक्वाटिक पौधे। तो जिन्होंने उत्तर दिया है लेग्यूमिनस प्लांट, पौराणिक पौधे। जी हाँ ए इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न 23वां प्रश्न ए रहा आपके सामने, इसका उत्तर दीजिएगा। निम्नलिखित में क्या ध्वनि की पिच निर्धारित करती है? आपके ऑप्शन है ए आयाम, बी आवृत्त, सी प्रबलता या डी तरंगदैर्ध्य। तो जिन्होंने उत्तर दिया है बी फ्रीक्वेंसी आवृत्ति। जी हाँ आपका उत्तर एकदम सही है। अगला प्रश्न 24वां प्रश्न ए रहा आपके सामने, इसका उत्तर दीजिएगा। विटामिन सी को क्या कहा जाता है? आपके ऑप्शन है ए नियासिन, बी टोकोफेरॉल, सी पायरिडॉक्सिन या डी रेटिनॉल।
तो जी उत्तर दिया सी पायरेडॉक्सिन। जी हाँ आपका उत्तर एकदम सही है। अगला प्रश्न 25वां प्रश्न ए रहा आपके सामने, इसका उत्तर दीजिएगा। अंतरिक्ष शिल्प में ईंधन को ठंडा करने से रोकने के लिए क्या उपयोग किया जाता है? आपके ऑप्शन है ए बेंजीन, बी ग्लाइकोल, सी एसिटिलीन या डी स्टर। तो जिन्होंने उत्तर दिया है बी ग्लाइकोल। जी हाँ ग्लाइकोल का उपयोग एंटी फ्रीजिंग के रूप में किया जाता है स्पेसक्राफ्ट में। अगला प्रश्न 26वां प्रश्न ए रहा आपके सामने, इसका उत्तर दीजिएगा। पौधों को मुख्य रूप से अपने पोषक तत्व किससे प्राप्त होते हैं? आपके ऑप्शन है ए वायुमंडल, बी क्लोरोफिल, सी प्रकाश या डी मिट्टी। तो जिन्होंने उत्तर दिया डी सॉइल। जी हाँ मिट्टी से एकदम सही उत्तर आपका। अगला प्रश्न 27वां प्रश्न ए रहा आपके सामने, उत्तर दीजिएगा इसका। एंजाइम क्या है? ए विटामिन, बी जीवाणु, सी जैव उत्प्रेरक या डी वायरस। तो जी हाँ एंजाइम है वो है एक कैटलिस्ट, बायो कैटलिस्ट। एकदम सही उत्तर आपका सी। अगला प्रश्न 28वां प्रश्न ए रहा आपके सामने, इसका उत्तर दीजिएगा। किस तापमान पर पानी का घनत्व अधिकतम है? आपके ऑप्शन है ए 0 डिग्री सेल्सियस, बी 4 डिग्री सेल्सियस, सी -4 डिग्री सेल्सियस या डी -18 डिग्री सेल्सियस। तो जिन्होंने उत्तर दिया है बी 4 डिग्री सेल्सियस। जी हाँ आपका उत्तर एकदम सही है। अगला प्रश्न 29वां प्रश्न ए रहा आपके सामने, इसका उत्तर दीजिएगा। सूर्य के प्रकाश के अदृश्य भाग का उपयोग कर प्रकाश संश्लेषण कुछ किसके द्वारा किया जाता है? आपके ऑप्शन है ए पैरासाइट, बी शैवाल, सी जीवाणु या डी कवक। तो जिन्होंने उत्तर दिया है सी बैक्टीरिया। जी हाँ आपका उत्तर एकदम सही है। अगला प्रश्न 30वां प्रश्न ए रहा आपके सामने, इसका उत्तर दीजिएगा। लाल लाइट सिग्नल को खतरे के सिग्नल के रूप में प्रयोग लाया जाता है क्योंकि ए लाल लाइट सबसे कम फैलती है, बी यह आंखों के लिए आरामदायक होती है, सी यह कम रासायनिक प्रतिक्रिया पैदा करती है या डी यह हवा में कम अवशोषित होती है। तो जिन्होंने उत्तर दिया ए रेड लाइट स्कैटर्ड लिस्ट। जी हाँ आपका उत्तर एकदम सही है। अगला प्रश्न 31वां प्रश्न ए रहा आपके सामने, इसका उत्तर दीजिएगा। फ्यूज किस सिद्धांत पे काम करता है? आपके ऑप्शन है ए विद्युत का रासायनिक प्रभाव, बी विद्युत का यांत्रिक प्रभाव, सी विद्युत का तापीय प्रभाव या डी विद्युत का चुंबकीय प्रभाव। तो जिन्होंने उत्तर दिया है सी हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। जी हाँ आपका उत्तर एकदम सही है। अगला प्रश्न 32वां प्रश्न ए रहा आपके सामने, इसका उत्तर दीजिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा जिन बनाने के लिए है? आपके ऑप्शन है ए पॉलीन्यूक्लियोटाइड, बी हाइड्रोकार्बन, सी लिपोप्रोटीन्स या डी लिपिड्स। तो जिन्होंने उत्तर दिया ए पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स। जी हाँ आपका उत्तर एकदम सही है। अगला प्रश्न 33वां प्रश्न आने वाला है आपके सामने, और इससे पहले एक बार फिर से आपको बोलूँगा अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिएगा और हो सके तो शेयर कर दीजिएगा ताकि आप उन भाई बंधुओं की मदद कर सके जो इन वीडियोस के सहारे अपने और अपने माता पिता के सपनों को साकार करने में जुटे हुए हैं। 33वां प्रश्न ए रहा आपके सामने, उत्तर दीजिएगा। कार्टोग्राफी क्या है? आपके ऑप्शन है ए मैप मेकिंग, बी ग्राफिक प्रतिनिधित्व के माध्यम से मानचित्रण, बी माप के माध्यम से मानचित्रण या डी उपरोक्त सभी। तो जिन्होंने उत्तर दिया है डी ऑल ऑफ द एबव। जी हाँ एकदम सही उत्तर है ऑल ऑफ दिस। आपका अगला प्रश्न 34वां प्रश्न ए रहा आपके सामने, इसका उत्तर दीजिएगा। वायु प्रदूषण के प्राकृतिक स्रोत हैं क्या? ध्यान दीजिएगा नेचुरल सोर्स बोल रहा है। ए वाहनों से धुआं, बी ज्वालामुखी विस्फोट, सी औद्योगिक धूल या डी सूखी पत्तियों को जलाने से धुआं। तो जिन्होंने उत्तर दिया बी वोल्केनिक इरप्शन। जी हाँ ए एक नेचुरल सोर्स है वायु प्रदूषण का प्राकृतिक स्रोत। अगला प्रश्न 35वां प्रश्न ए रहा आपके सामने, इसका उत्तर दीजिएगा। निम्नलिखित में से क्या ऊष्मा शोषी प्रतिक्रिया है? आपके ऑप्शन है ए श्वसन, बी ज्वलन, सी पसीना आना या डी प्राकृतिक गैस का जलना। तो जिन्होंने उत्तर दिया सी स्वेटिंग। जी हाँ आपका उत्तर एकदम सही है पसीना आना। अगला प्रश्न 36वां प्रश्न ए रहा आपके सामने, इसका उत्तर दीजिएगा। गैसोहोल किसका मिश्रण है? आपके ऑप्शन है ए गैसोलीन और ब्यूथेनॉल, बी गैसोलीन और एथेनॉल, सी गैसोलीन एंड प्रोपेनॉल या डी मेथेनॉल एंड एथेनॉल। तो जिन्होंने उत्तर दिया है बी गैसोलीन एंड एथेनॉल। जी हाँ आपका उत्तर एकदम सही है। अगला प्रश्न 37वां प्रश्न ए रहा आपके सामने, इसका उत्तर दीजिएगा।
दूध प्रोटीन निम्न एंजाइम में से किसके द्वारा पचाया जाता है? आपके ऑप्शन है ए पेप्सिन, बी ट्रिप्सिन, सी रेनिन या डी एरेप्सिन। तो जिन्होंने उत्तर दिया है सी रेनिन। जी हाँ, आपका उत्तर एकदम सही है। अगला प्रश्न 38वां प्रश्न ए रहा आपके सामने, इसका उत्तर दीजिएगा। एक बायोटेक्निक जिसमें अल्ट्रासोनिक ध्वनि का उपयोग किया जाता है वो क्या है? ए सोनोग्राफी, बी ईसीजी, सी ईईजी या डी एक्सरे। तो जिन्होंने उत्तर दिया है ए सोनोग्राफी। जी हाँ, आपका उत्तर एकदम सही है। अगला प्रश्न 39वां प्रश्न ए रहा आपके सामने, इसका उत्तर दीजिएगा। ऑटोमोबाइल का निकास किस जहरीले प्रदूषक को बढ़ाता है? आपके ऑप्शन है ए कार्बन डाइऑक्साइड, बी सल्फर डाइऑक्साइड, सी कार्बन मोनोऑक्साइड या डी नाइट्रस ऑक्साइड। तो जिन्होंने उत्तर दिया है डी नाइट्रस ऑक्साइड। जी हाँ, आपका उत्तर एकदम सही है। अगला प्रश्न आज का अंतिम प्रश्न और आशा करता हूँ इसका उत्तर भी मुझे सही मिलेगा। न्यूट्राश्यूटिकल वे उत्पाद हैं जिसमें होते हैं क्या? पोषक तत्व विटामिन और खनिज, बी पोषक तत्व प्रोटीन और फैटी एसिड, बी सी पोषक तत्व और विषाक्त प्रभाव या डी पोषक तत्व और औषधीय प्रभाव। तो जिन्होंने उत्तर दिया है डी न्यूट्रिएंट एंड मेडिकल इफेक्ट। जी हाँ, आपका उत्तर एकदम सही है। अगला प्रश्न अब नहीं रहा। इसी के साथ हम मिलेंगे अगले हफ्ते शाम को ठीक 4:30 बजे। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपने साथ साथ अपने अपने परिवार का, अपने समाज का और जी हाँ अपने देश का ख्याल रखिएगा। जय हिंद।